नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है AYT इंडिया अकेडमी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक हमने चुना है लोटो। लोटो सिस्टम के बारे में आज हम जानने वाले हैं। अगर आप सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, या आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए लोटो सिस्टम को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोग भी अपने यहाँ इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, लोटो सिस्टम क्या होता है, लोटो सिस्टम को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लोटो के 6 स्टेप्स क्या हैं और लोटो के क्या फायदे हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे लोटो की फुल फॉर्म और लोटो की परिभाषा या डेफिनेशन। दोस्तों, लोटो की जो फुल फॉर्म होती है लॉक आउट टैग आउट। लो से बना है लॉक आउट और टो से बना है टैग आउट। तो लोटो का मतलब हुआ लॉक लगाना और टैग लगाना, लॉक आउट टैग आउट। लोटो एक ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया है जिसका उपयोग हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या उद्योगों के अंदर करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मरम्मत के वक्त या मेंटेनेंस के वक्त जो भी हजार्डस या खतरनाक एनर्जी सोर्सेज हैं उनको कोई दोबारा से शुरू ना कर दे, दोबारा से चालू ना कर दे बिना मरम्मत को ख़त्म हुए। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए हम लॉकआउट टैगआउट प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि मरम्मत खत्म होने से पहले कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या गलती से जो एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे कि बिजली है, पानी है, गैस है, उसको दोबारा से शुरू ना कर दे और जो मशीन के ऊपर या प्लांट के अंदर व्यक्ति मेंटेनेंस कर रहा है या मरम्मत कर रहा है उसको किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। अब ये जो हजार्डस एनर्जी सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं? ये हजार्डस एनर्जी सोर्सेज या खतरनाक एनर्जी सोर्सेज कई प्रकार के होते हैं। वो क्या क्या हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिर्फ एनर्जी का मतलब बिजली नहीं है, एनर्जी के कई सारे स्रोत हो सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंट प्रकार के हजार्डस एनर्जी सोर्सेज हैं या ऊर्जा स्रोत हैं, जिसमें सबसे जो कॉमन है या जो सबसे पहला है वह है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम छू लें या हमें उसको टच कर लें तो हमें बहुत ज़ोर से झटका लग सकता है या करंट लग सकता है या हमारी मौत हो सकती है। ऐसे ही पानी भी एक हजार्डस एनर्जी सोर्स है कि सपोज हमने किसी पाइपलाइन के अंदर पानी भरा हुआ है और वो किसी ने गलती से एकदम से चालू कर दिया और उसी से मशीन चलती है तो हमारी जान जा सकती है, दूसरे व्यक्ति को चोट लग सकती है। ऐसे ही कोई केमिकल है या कूलेंट है। कूलेंट अगर आपने गाड़ी का रेडिएटर देखा हो उस पर लिखा होता है कि जब गाड़ी चलने की स्थिति में हो या चालू स्थिति में हो कूलेंट ढक्कन को ना खोलें। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उस टाइम कूलेंट रोटेट कर रहा होता है। तो ऐसे ही अगर हमारी मशीन के अंदर कहीं पे कूलेंट या कोई केमिकल यूज हो रहा है और चलती मशीन में हम उसको ठीक करेंगे तो वो बाहर निकल के हमारी आंख में जा सकता है, नाक में जा सकता है और हमें क्षति पहुंचा सकता है। इसी तरीके से जो भाप है या स्टीम है वह भी एक हजार्डस एनर्जी सोर्स है कि पाइपलाइन के अंदर स्टीम है और हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया और गैस जो है स्टीम लीक हो गई तो हमें नुकसान पहुँच सकता है। इसी तरीके से जो न्यूमेटिक या कंप्रेस्ड एयर है वह भी एक हजार्डस एनर्जी सोर्स है क्योंकि वह भी प्रेशराइज एयर होती है, वह भी हमें क्षति पहुंचा सकती है। नेचुरल गैसेस जैसे कि LPG, PNG वगैरह ये भी हजार्डस एनर्जी सोर्स हैं। हम मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं और उस पर जो है गैस फ्लो कर रही है और गलती से कहीं चिंगारी निकल गई और वह गैस लीक हो गई तो आग लग सकती है और हमारी जान जा सकती है। तो लोटो सिस्टम को लागू करने से पहले इसलिए हमें हजार्डस एनर्जी सोर्सेज को पहचानना जरूरी है ताकि हम ये ना सोचें कि सिर्फ बिजली ही हजार्डस एनर्जी रिसोर्सेज है या सोर्स ऑफ हजार्डस एनर्जी है। इसके बाद है हाइड्रोलिक्स, जहाँ पे मशीन या कोई भी उसका पुर्जा हाइड्रोलिक्स के थ्रू चल रहा है, हाइड्रोलिक पावर पैक के थ्रू चल रहा है, तो वो भी क्या है, एक हजार्डस एनर्जी रिसोर्स है। इसके बाद मैकेनिकल तो है ही, जहाँ पे कोई मैकेनिकल एक्टिविटी की वजह से या मैकेनिकल मोशन की वजह से एनर्जी मिल रही है तो वो भी क्या है, एक हजार्डस एनर्जी सोर्स है कि जैसे कोई पहिया घूम रहा है और वो पहिए में हमारा हाथ आ जाए तो हमें चोट लग सकती है। तो इसलिए
हमें इन सबको लॉकआउट टैग आउट करना जरूरी है, और सबसे जरूरी है कि हमें हजार्डस एनर्जी को पहचानना जरूरी है। अब जो दोस्तों लोटो सिस्टम होता है उसके अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं। पहला होता है लॉक, लॉक हमें कहाँ लगाना है, जो हमारे हजार्डस एनर्जी रिसोर्सेस के कंट्रोल करने वाली चीजें हैं, जैसे कि MCB हो गई, कंट्रोल वाल्व हो गई, कि जहां से जैसे हमारी पाइपलाइन के अंदर गैस जा रही है या तेल जा रहा है, तो हम उसकी वाल्व को बंद करके उसको लॉक लगा देंगे। ऐसे ही अगर हमारी MCB से बिजली जा रही है, तो हम क्या करेंगे, MCB को डाउन करके MCB के ऊपर लॉक लगा देंगे। तो ये प्रक्रिया क्या हो गई, लॉकआउट, कि हमने जो है जो एनर्जी सोर्स जहां से जा रहा है, जिस लाइन के थ्रू सप्लाई हो रहा है, उसको हमने लॉक कर दिया। लॉक करके चाबी अपने पास रख ली, ताकि गलती से भी कोई वह सोर्स को ऑन ना कर दे। आपने एक घटना कई बार ही सुनी होगी आपके जान पहचान में भी, आस पड़ोस में भी, कि जी फलाना व्यक्ति मशीन के ऊपर काम कर रहा था, या खब्बे पे काम कर रहा था बिजली के, या कूलर को चला रहा था, या कूलर पे काम कर रहा था, और किसी ने पीछे से आके लाइट ऑन कर दी और उस बंदे की मौत हो गई। तो इसलिए लोटो सिस्टम लगाया जाता है कि गलती से भी या जानबूझकर कोई ऐसा ना कर सके। जब हमने उसको लॉक कर दिया, तो कोई कितनी कोशिश कर ले उसको ऑन नहीं कर पाएगा। और आपको लॉक का ये खास तौर पे ध्यान रखना है कि एक लॉक की एक ही चाबी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने लोटो सिस्टम में जितने भी लॉक हैं उन सब की कॉमन चाबी बना रखी है, तो उससे क्या होगा, कोई भी व्यक्ति जाके उसको आसानी से खोल लेगा। इसलिए हमें क्या सुनिश्चित करना है कि लोटो सिस्टम के अंदर एक लॉक की एक ही चाबी होनी है। उसके बाद आती है दूसरी चीज, टैग, जो टैग आउट का टैग है। जब हमने उस पर लॉक लगा दिया सिस्टम के ऊपर, फिर वहां पे हम एक टैग लगाएंगे कि ये टैग किसने लगाया है। जो ऑथराइज पर्सन है उस पर लिखेगा, ये टैग मैंने लगाया है, इस कारण से लगाया है और इतने बजे तक लगा रहेगा। तो ताकि जब वहां पर कोई व्यक्ति जाए, तो उसको सूचना मिल जाए कि भैया ये लोटो सिस्टम लगा हुआ है, मशीन की मरम्मत चालू है और हमें इसको ऑन नहीं करना है। कर तो सकता ही नहीं है ऑन, वैसे भी उसको इन्फॉर्मेशन भी मिल गई टैग द्वारा कि हमने इस मशीन को ऑन नहीं करना है, या ये मशीन अभी हमने ब्रेकडाउन के अंदर मेंटेनेंस के अंदर ली हुई है और इस पे लोटो लगा हुआ है। और जो तीसरी चीज है वह है हमारा लोटो स्टेशन। लोटो स्टेशन में क्या होगा, लॉक लगे होंगे, उनकी चाबियां होंगी और उनके टैग्स होंगे। हमें एक सेंट्रलाइज जगह तो चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं सब अपने अपने जेब में चाबियां लेके घूम रहे हैं, ताले लेके घूम रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक फैक्ट्री के अंदर या एक डिपार्टमेंट के अंदर एक लोटो स्टेशन बना देते हैं। वहां पर वो सारे लॉक लगे होंगे, टैग लगे होंगे, और जब भी कोई पर्सन लॉकआउट टैग आउट करने वाला है, वह जाके वहां पर लॉकआउट टैग आउट कर सकता है। तो लॉकआउट टैग आउट भी हर कोई नहीं कर सकता, लॉकआउट टैग आउट भी जो निर्धारित व्यक्ति है वही कर सकता है। वह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कौन कर सकता है लॉकआउट टैग आउट की प्रक्रिया को। लॉक भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ तस्वीर के ऊपर देख रहे हो, ये एक सिंपल लॉक है, ये यहाँ पर ये जो हमारी जो हथकड़ी होती है उसके प्रकार का लॉक है, ये जो आपका दिख रहा है ना कफ्स की तरह है लॉक। तो जिस हिसाब से वॉल्व डिज़ाइन है, जिस हिसाब से हमारी MCB डिज़ाइन है, उसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लॉक हो सकते हैं। बस हमें इंश्योर क्या करना है कि एक लॉक की एक ही चाबी हमें यूज़ करनी है, या एक लॉक की एक ही चाबी होनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसको गलती से या जानबूझ के खोल ना सके सिस्टम को। कुछ शरारती तत्व भी होते हैं जो जानबूझकर भी ऐसी चीज़ें कर देते हैं, हर फैक्ट्री के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं। अब हम जान लेते हैं कि किसको अथॉरिटी है लॉकआउट टैग आउट करने की। तो बेसिकली क्या है, इंडस्ट्री के अंदर दो प्रकार के एम्प्लॉयज हैं, एक हैं ऑथराइज एम्प्लॉयज और एक हैं अफेक्टेड एम्प्लॉयज। ऑथराइज एम्प्लॉयज वह एम्प्लॉयज हैं जिनको अथॉरिटी है कहीं पर भी एज पर प्लान लोटो सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन हो गए, ऑथराइज एम्प्लॉयज, उन्हीं को सिर्फ अथॉरिटी है। मान लो कंपनी के अंदर 5 लोग हैं, तो वो 5 लोग ही सिर्फ लोटो सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं, वही लगाएंगे जहां भी जाके ताला लगाना है, वही लगाएंगे जहां भी जाके टैग लगाना है। दूसरे होते हैं अफेक्टेड एम्प्लॉयज। अफेक्टेड एम्प्लॉयज क्या है कि वह एम्प्लॉयज जो लोटो सिस्टम लगने से प्रभावित होंगे। ऑथराइज पर्सन क्या हो गए, सपोज मेंटेनेंस वाले, मेंटेनेंस वालों को है कि वो लोटो सिस्टम जाके लॉकआउट टैग आउट कर सकते हैं किसी डिपार्टमेंट के अंदर। अफेक्टेड एम्प्लॉयज क्या हो गए, जो इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले
लोग हैं, या अफेक्टेड एम्प्लॉयज के अलावा सारे लोग जो हो गए वो हो गए अफेक्टेड एम्प्लॉयज, चाहे वो सुपरवाइजर है, मैनेजर है, वर्कर है, मशीन ऑपरेटर है, हेल्पर है, कोई भी हो। ऑथराइज के अलावा जो भी व्यक्ति बचे कंपनी के अंदर वो हो गए सारे अफेक्टेड एम्प्लॉयज। आपने लोटो के बारे में जान लिया, लोटो की फुल फॉर्म जान ली, हजार्डस एनर्जी के सोर्सेज जान लिए कि क्या क्या हजार्डस एनर्जी हैं और हमने उन पे कैसे कैसे ध्यान रखना है। इसके बाद आपने जान लिया ऑथराइज एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं और अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं। अब ये सब जानने से आप इम्प्लीमेंट कर नहीं पाओगे, आप उसका भी एक पूरा प्रोसेस है कि अगर आपको कहीं पे लोटो अप्लाई करना है तो हमने क्या क्या स्टेप सिक्वेंसली फॉलो करने हैं। तो ये जान लेते हैं कि ये 6 स्टेप लोटो इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या हैं, जिसके अंदर है सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के अंदर हमें क्या करना है कि जहाँ जिस एरिया या जिस मशीन के अंदर हम लोटो अप्लाई करने वाले हैं उसके रिलेटेड जो भी एनर्जी सोर्सेज हैं उनकी हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि उसके अंदर कौन से इलेक्ट्रिकल सोर्सेज हैं, कौन से हाइड्रोलिक हैं, कौन से न्यूमेटिक हैं, कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज हैं उस मशीन के ऊपर या उस एरिया के अंदर, उसकी हमें पूरी जानकारी एकत्रित करनी है। दूसरा जो स्टेप है वह है शटडाउन। शटडाउन के अंदर हमें क्या करना है, शटडाउन के अंदर हमें उस मशीन को बंद कर देना है विद प्रॉपर प्लानिंग, कि उस एरिया में जो काम कर रहे हैं लोग या उस एरिया का सुपरवाइजर है उसकी जानकारी में होना चाहिए कि हम 9 बजे से 10 बजे तक ये शटडाउन लेने वाले हैं, आपको जो भी काम निपटाना है उससे पहले निपटा लो या उसके बाद आप उस काम को कर सकते हो। तो शटडाउन के अंदर क्या किया हमने, जाके जो भी वॉल्व है, मान लो कोई स्टीम है या हाइड्रोलिक है तो हमने वॉल्व को बंद कर दिया, और कोई अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो हमने जाके MCB को या मेन स्विच को डाउन कर दिया। ये क्या हो गया, हमारा सेकंड स्टेप हो गया शटडाउन। इसके बाद आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन के अंदर हमें क्या करना है कि उस मशीन को जो चीज़ सप्लाई कर रही है, शटडाउन में हमने क्या किया उस मशीन को बंद कर दिया, ठीक है। आइसोलेशन के अंदर हमने क्या करना है कि जो उस मशीन को जहाँ से मेन सप्लाई मिल रही है वहाँ जाके हमने आइसोलेट कर दिया, उसको भी हमने मेन स्विच को गिरा दिया। एक तो हमने मशीन का मेन स्विच गिरा दिया सेकंड स्टेप के अंदर, मशीन की सारी वॉल्व्स वगैरह सब हमने बंद कर दी। उसके बाद आइसोलेशन फेज के अंदर जाके जो उस मशीन को जहां से सप्लाई आ रही है वहां जाके हमने उसको शटडाउन कर दिया या उसको बंद कर दिया। इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है वह आता है लॉकआउट टैगआउट। अब जो ये डिवाइसेज हैं जहाँ से उस एनर्जी मिल रही थी, जहाँ हमने उसको मेन स्विच को जाके बंद किया था, वहाँ पे जाके हमने लॉक लगाना है। लॉक लगा के चाबी जो ऑथराइज पर्सन है जो उस मशीन पे काम करने जाएगा सिर्फ उसी को अपनी जेब में वो चाबी रखनी है। ऐसा नहीं कि लॉक लगा के मैंने किसी और को दे दी, पता चला उसने पीछे से जाके ताला खोल दिया, तो जो मशीन पे काम करने वाला है वो लॉक लगाएगा और लॉक लगा के चाबी अपनी जेब में रख लेगा, साथ ही साथ उसके ऊपर एक टैग लिख के टैग टांग देगा कि इतने बजे से इतने बजे तक ये शटडाउन रहने वाला है, और जो इस पे काम कर रहा है उस व्यक्ति का वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा होना चाहिए ताकि किसी को अगर संपर्क करना है तो वहाँ से संपर्क कर सके। हमने क्या किया, पहले प्रिपेयर कर लिया, फिर उसको हमने शटडाउन किया, आइसोलेट कर दिया, उसके बाद हमने लॉकआउट टैगआउट जो है वो लगा दिए। पांचवा स्टेप है स्टोर्ड एनर्जी चेक। स्टोर एनर्जी क्या होती है, जैसे कि किसी भी सिस्टम के अंदर मान लो कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर का क्या काम है, एनर्जी को इकट्ठा करके रखना, स्टोर करके रखना। तो हमने ये चेक करना है कि कोई स्टोर एनर्जी तो नहीं रह गई सिस्टम के अंदर। मान लो हमने मेन लाइन तो बंद कर दी न्यूमेटिक की, लेकिन फिर भी पाइपलाइन के अंदर हो सकता है कि हवा रह गई हो या कोई तेल रह गया हो जो हाइड्रोलिक है या डीजल है या कोई स्टीम रह गई हो, तो हमने क्या करना है स्टोर एनर्जी को चेक करना है कि कोई अगर स्टोर एनर्जी तो नहीं है, जितने भी गेजेस वगैरह लगे हैं उनको देखेंगे हम कि वो प्रेशर में उठ तो नहीं रहे हैं, डाउन होने चाहिए सारे। अगर ऐसे कोई स्टोर एनर्जी वहां पर है तो हम उसको क्या करेंगे, वॉल्व खोल के उसको रिलीज कर देंगे कि स्टोर एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा आता है अगला स्टेप और सबसे लास्ट स्टेप आइसोलेशन वेरिफिकेशन, कि हमने स्टोर एनर्जी भी चेक कर ली, अब आइसोलेशन वेरिफिकेशन करेंगे, मशीन के ऊपर जाके देखेंगे, जो ऑथराइज पर्सन है वह देखेगा कि सब कुछ स्टेप करने के बाद भी कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं से कुछ हम करना भूल गए हों, कोई स्टेप लेना भूल गए हों, या एकाध हम जो है MCB को ट्रिप करना भूल गए हों, तो वो जाके चेक करेगा हर पॉइंट के ऊपर जहाँ जहाँ से एनर्जी आ रही है कि कहीं से एनर्जी आ तो नहीं रही है, आइसोलेशन को वेरिफिकेशन करेगा।
तो पांच स्टेप क्या है, प्रिपरेशन, शटडाउन, आइसोलेशन, लॉकआउट, टैग आउट, स्टोर एनर्जी चेक, आइसोलेशन, वेरिफिकेशन। तो ये सारे स्टेप करके आप लोटो सिस्टम अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो और किसी भी व्यक्ति की आप जान बचा सकते हो। दोस्तों हमारे लिए यह सिस्टम इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हम एक छोटी कंपनी है या एक बड़ी कंपनी है। बहुत ही सिंपल और आसान स्टेप है, तो हमें अपनी कंपनी के अंदर लोटो को लागू करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।